हेलो जी, आज हम लोग सेमीकंडक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, और बहुत बार एक क्वेश्चन जो उसे पूछा भी गया है वही सब क्वेश्चन का एक पैटर्न जो हम लोग का सेमीकंडक्टर में है उसको लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम। क्वेश्चन ऐसे है कि एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो सबसे ज्यादा किस किस में होता है। क्वेश्चन ये आपके पास है, एनर्जी बैंड गैप सबसे ज्यादा किस में होता है। आपके पास ऑप्शन में है, मेटल्स है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर है। आप पढ़े होंगे कि जो है सो एनर्जी बैंड गैप सबका अलग अलग होता है, मेटल्स का है, इंसुलेटर का भी अलग है, सेमीकंडक्टर का अलग है। सबसे ज्यादा किस में होता है ना, सबसे ज्यादा किस में, तो थोड़ा ध्यान पड़ेगा कि सबसे ज्यादा किस में, सबसे कम किस में। अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन पूछता है तो जितना ज्यादा गैपिंग होगा वो किस में पाया जाएगा हम लोग का, वो बेसिकली किस में पाया जाएगा, इंसुलेटर में पाया जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा गैपिंग होगा इलेक्ट्रॉन जम करें उसको उतना ही दिक्कत होगा, वह वहां जा नहीं पाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। बेसिकली वही कंडीशन वही होता है, मेटल में सबसे कम, इंसुलेटर में सबसे ज्यादा, और अगर बिटवीन में कहा जाए ना बहुत सबसे ज्यादा न कम न ज्यादा, तो किसमें आएगा आपका, सेमीकंडक्टर में आएगा। तो मैक्सिमम जब पूछा जाएगा एनर्जी कैप सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो कैक्स माना हम लोग को इंसुलेटर मानना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या रहेगा हम लोग का, बी रहेगा, इंसुलेटर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पर सिलिकन कैसा बिहेव करेगा, को बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकन एक क्या है हम लोग का, एक सेमीकंडक्टर है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ये नहीं पूछा कि सिलिकन क्या है मेरा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो है सो जीरो जीरो केल्विन कह सकते हैं उसको हम लोग, एब्सोल्यूट जीरो पर आपका क्या है, आपका यह कैसा बिहेव करेगा, आपका नॉन मेटल्स कि मेटल्स कि इंसुलेटर या नॉन ऑफ दिस, आपको बताना है कि इसमें जो है सो वह बिहेव जो है वो क्या करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सिलिकॉन जो है अगर 0 केल्विन पर, अगर 0 केल्विन पर वो बिहेव कैसे करेगा, उस टेम्परेचर पर इसमें जो है करंट फ्लो नहीं करता, ध्यान रखना है कि ना 0 केल्विन पर यह इसमें करंट फ्लो नहीं करता, मतलब बिहेव कैसा करेगा यह बिहेव, यह बिहेव जो है एक इंसुलेटर का बिहेव करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि 0 केल्विन पर यह एब्सोल्यूट जीरो दोनों पूछ सकता है, उस कंडीशन में सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर का बिहेव नहीं करेगा। अगर ऑप्शन सेमीकंडक्टर है तो वो भी ऑप्शन हम नहीं, वह बिहेव कैसा करता है, वो इंसुलेटर का बिहेव करता है। किस कंडीशन में, आपका एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन पर टेम्परेचर पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि एपीएन जंक्शन विच कैन बी यूज ए वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्टेज रेगुलेटर जो है कौन से डायोड को, या कौन से डायोड है जिसको वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है, क्वेश्चन इधर उल्टा ही पूछ सकता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है आपको याद रखना है कि जेनर डायोड, आपको लिखवाया गया होगा, कहीं पढ़े हम लोग पढ़े भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट भी हम लोग का है। जेनर डायोड जो होता है वह वोल्टेज रेगुलेटर में काम करता है, जेनर के बारे में। तो जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर, जैसे नाम सुनिएगा आप लोग कि वोल्टेज रेगुलेटर पूछा मतलब किसमें बताना है आप लोग को, और डायोड क्या नाम उसे मतलब नहीं हमको ना, कि वोल्टेज रेगुलेटर किसमें काम करता है, आपको जेनर डायोड जो है काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इट मस्ट बी डॉप्ड विथ, अगर हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो क्या डॉप करें, पी टाइप और एन टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही। अब है कि पी टाइप में क्या मिलाते हैं, एन टाइप में क्या मिलाते हैं, उसमें मेटल्स का आपका जो है उसमें एलिमेंट्स का नाम याद करना है, वो आप लगना चाहिए, वही चीज यहाँ क्वेश्चन उसी का ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया। तो आप लोग को पता होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बनता है पी टाइप में क्या मिलाते हैं, वो जी आपको आपको जानना पड़ेगा, पेंटावेलेंट की ट्राइवेलेंट इसी पहले क्लियर रखना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पी टाइप जब भी जो फॉर्म करेंगे उसमें मिलाते हैं क्या हम लोग, ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, जो डॉप्ट किया जाता है वो ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, कोई पी के साथ पी नहीं है, ध्यान रखिएगा, पी के साथ पी मतलब पी पी टाइप में पेंटावेलेंट नहीं है। और तो एन टाइप बनने के लिए क्या मिलाएंगे, तो एन टाइप अगर बनाना हो उसमें क्या मिलाएंगे हम लोग, उसे मिलाएंगे पेंटावेलेंट, तो ध्यान यही रखना है आपको, पेंटा वैलेंट बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि पी के साथ पी नहीं है, मतलब कि पी टाइप बनाना है तो पेंटा नहीं बनाना है, तो पी में क्या मिलाएंगे, ट्राई वैलेंट, और एन मिलाएंगे पेंटा वैलेंट। तो अब क्वेश्चन वो नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछ दिया कि हम पी टाइप में इसमें से कौन से एलिमेंट को मिला दें कि पी टाइप वो बन जाए, तो हमको ट्राई वैलेंट का नाम जाना पड़ेगा, ट्राई वैलेंट कौन कौन सा, एल्युमिनियम होता है, और कुछ नाम बताओ वो जाना पड़ेगा, इसमें क्या आपका है, इंडियम, ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ट्राइवेलेंट में कौन आ जाएगा, ग्रुप 13 एलिमेंट्स हो जाएगा। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स में जो जो आता होगा वही उसका क्या होगा, ट्राइवेलेंट में आ जाएगा।
इसमें क्या आपका है इंडियम, क्योंकि आप जाने के आर्सेनिक एंटीमनी जो आपका है फास्फोरस सब कहाँ जाएगा, ग्रुप 15 एलिमेंट है, तो ग्रुप 15 में क्या एन टाइप में चला गया आपका सर। तो पी टाइप में जो है वह क्या है हम लोग कहेगा उसमें इंडियम रहेगा। तो एग्जाम्पल जरा दीजिए कि एन टाइप में मिला क्या क्या मिलाएंगे, चार पांच अब नाम उसमें आपको एलिमेंट का नाम करना है, पी टाइप में किसको मिलाएंगे वो आपको नाम, नहीं तो अभी दोनों को सबका नाम लिखवाते हैं कि पी टाइप में क्या मिलाएंगे एन टाइप में क्या। ठीक है, फिर क्या है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, बहुत ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जब फॉर्म करता है तो मेजोरिटी क्या होगा, दो चीज होता है, एक क्या होल होगा या इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब बताने की इसमें बोला कि होल्स होगा या इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन आपके पास होल भी है, प्रोटॉन तो खत्म हो गया, न्यूट्रॉन तो खत्म हो गया, दो ऑप्शन तो मानना ही नहीं है, हमेशा मेजोरिटी और माइनॉरिटी दो ही चीज हो सकता है, चाहे होल चाहे इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले गलत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन खत्म हो गया, अब आया आपके पास होल्स होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब बताइए कि देखिए एन टाइप में हम लोग मिला क्या रहे हैं, पेंटा मिला रहे हैं, सिलिकॉन को चाहिए चार, जब सिलिकॉन को चार चाहिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो उसका ज्यादा बच रहा है हमेशा, तो उसमें ज्यादा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा, कम मिलाएंगे तब ना होल्स रहेगा, तो इसमें जब ज्यादा पेंटा मिला दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या उसके पास जा रहा है हमेशा, तो उसमें पूछा है मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वह क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होंगे ज्यादा होगा, अगर माइनॉरिटी पूछता तो क्या होता होल्स उसका माइनॉरिटी हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक याद कीजिए कि किस में क्या होगा, एन टाइप में पेंटा मिला रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अगला क्या है इन ए जंक्शन डायोड द होल्स आर ड्यू टू, जंक्शन डायोड में जो आपका है जो होल्स का फॉर्मेशन होता है वो होल क्या होता है, क्वेश्चन यहां से पूछता है, क्वेश्चन है कि जंक्शन डायोड में होल जो है वो क्या होता है, क्वेश्चन नहीं आपके पास होल क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है कि न्यूट्रॉन्स है कि प्रोटॉन, हमेशा देखिए ये दो चीज तो कहीं मत कीजिएगा, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को तो गोली मार दीजिए, ये सब यहाँ यहाँ नहीं है आपका सेमीकंडक्टर में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कहीं कहाँ है, होल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेस जो हो वही है, मैंने होल्स और इलेक्ट्रॉन पर ही काम चलेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कुछ काम नहीं। अब बताइए क्या होगा जंक्शन डायोड होल्स क्या होता है, होल्स कौन बनेगा, जगह खाली जो हो जाता है, खाली जगह मतलब क्या होगा मिसिंग की एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जगह तो होल्स नहीं बनेगा, जगह जब वहां से लोग हट जाता है, होल्स का फंक्शन कब होता है जब इलेक्ट्रॉन जम करके जगह से जब चला जाता है तो जगह खाली बच जाता है, तो वही होल्स का फॉर्मेशन करता है, तो वहां क्या बोलेंगे हम लोग उसको मानेंगे मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो मिस कर जाता है वहां जगह छोड़ के दूसरे जगह चला जाता है तो वहां होल्स का फॉर्मेशन करता है। तो पूछा था कि जंक्शन डायोड में होल्स क्या है हम लोग का, होल्स क्या होता है मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, तो क्वेश्चन थ्योरी पढ़ना और एमसीक्यू मारना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत मायने मायने चीज दिया जाता है हम लोग को, तो ये पे कुछ और क्वेश्चन देते सेमीकंडक्टर आते हैं। ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का यूज जो है किस में किया जाता है, ऑसिलेटर एम्पलीफायर रेक्टिफायर या मॉड्यूलेटर, है ना, को ट्राई कीजिए कि इसमें किसका यूज किस में इसे जाएगा हम लोग का, डायोड का यूज जो है ऑसिलेटर में करेंगे कि एम्पलीफायर में करेंगे कि रेक्टिफायर में करेंगे, आप इसमें देख पढ़े होंगे इसमें बिजली हम लोग किस में करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर आप लोग पढ़े होंगे, ये बेसिकली जो है सो हम लोग क्या था इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और क्या था हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें लोग जो है यूज किसमें करें, डायोड का यूज किसमें किया जाएगा रेक्टिफायर में किया जाएगा। ठीक है तो यह हाफ वेव रेक्टिफायर जाएगा रेक्टिफायर के यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन ए पीएन जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस आप लोग देखे होंगे जिसमें आपका क्या होता है जो पी टाइप को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, तो वहां फॉरवर्ड बायस क्वेश्चन आपका जो फॉरवर्ड बायस भी एक आपका सेवन घंटे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फॉरवर्ड बायस भी जो है, अब उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पोटेंशियल बैरियर जो होता है विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर वह क्या होता है, कह रहा है रिमेंस कॉन्स्टेंट होता है कि घटता है कि बढ़ता है, कॉन्स्टेंट तो नहीं होता है ये तो कंफर्म है कि घटेगा या बढ़ेगा, तो पहला आपका ये आपका रिमेंस कॉन्स्टेंट आपका नहीं होगा और नॉन ऑफ दिस, अब बताना है कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, क्वेश्चन है किसी आपका इंक्रीज है या डिक्रीज है, ये आपको क्वेश्चन खुद क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए पहले देखिए कोई कैसे क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट अगर कहां से पूछ रहा है तो देखिए करेक्ट रिलेशन आपको अगर पूरा पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर उसमें अल्फा और बीटा दो चीज होगा आपका। चैप्टर कहाँ था आपका? उसमें आपका एम्पलीफायर जो था आपका कॉमन बेस आपका वहां पर था कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो अल्फा और बीटा जो आपका आया था उसमें तो एग्जाम में इसका रिलेशन पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ और अल्फा के साथ है वन माइनस अल्फा बाय अल्फा, अल्फा बाय वन माइनस है, या अल्फा के साथ बीटा माइनस वन बाय बीटा है, या अल्फा इंटू बीटा वन वन है। तो अगर इसमें अगर आपको याद होगा ठीक है, नहीं तो बताइए इसमें जो आपका होगा कि बीटा का बराबर जो है वह क्या होता है, बीटा इक्वल टू अल्फा बाय वन माइनस अल्फा होता है। तो आपको मान लीजिए बीटा के साथ दिया हुआ है तो अल्फा का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा इसमें हम लोग का, तो आपको अल्फा वाला भी याद करना है कि अल्फा के बराबर क्या होगा वो भी आपको जानना पड़ेगा ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल गेट, हम जो सेमीकंडक्टर इसके पहले जो लॉजिक गेट का आया था वीडियो उसमें बताया गया था कि इस पर क्वेश्चन आता है कि लॉजिक गेट में किस गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है और नॉट एंड और नैंड। तो बताया गया था कि फंडामेंटल गेट जो होता है, तीन होते हैं फंडामेंटल गेट होते हैं, और गेट एंड गेट और नॉट गेट को फंडामेंटल गेट्स कहा जाता है, और दो कॉम्बिनेशन में आता है नैंड और नॉर होता है, तो उसमें से नैंड और नॉर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, नॉर भी है या नैंड भी है, तो दोनों ऑप्शन अगर यहाँ पर एक ही दिया हो देखिए तो याद रहे कि नैंड गेट और नॉर गेट जो होता है वह क्या कहलाता है हम लोग का, यूनिवर्सल गेट। हम उसी साइड में लिख दिए थे कि दो क्वेश्चन अगर गेट से पूछे तो एक क्वेश्चन हमें आता है कि किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब उसमें से दो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो बन रहा है कि एन टाइप जो है वह बेसिकली क्या है, पेंटावेलेंट एटम मिलाने से बनता है। याद रखना है कि एन टाइप का फॉर्मेशन कब होता है, जब पेंटावेलेंट एटम मिलाते हैं। अब एक पेंटावेलेंट एटम कौन कौन होगा वो भी यहां लिखवा दे रहे हैं, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ, ये चारों आपका जो है ये आप इसलिए एमसीक्यू नहीं है, ये क्या आपको एक तरह से इसमें से बहुत सा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से तीन रहेगा चौथा कुछ और मिला देगा, जैसे कि आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी और यहाँ पर बोरॉन डाल देगा। मुझे एक बात है कि किससे किससे एन टाइप डालने नहीं फॉर्म करेगा तो कोई इसमें चेंज कर देगा हम लोग को। तो आपको टोटल याद रहेगा कि एन टाइप पेंटावेलेंट एटम से बनता है और पेंटावेलेंट क्या आपका आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ, इसको आप याद कर लीजिए। और पी टाइप जो है आपका ट्राइवेलेंट के मिलाने से बनता है, ट्राइवेलेंट मिलाएंगे। अब जब ट्राइवेलेंट में मिलाएंगे तो उसमें क्या क्या आपका गैलियम, इंडियम, बोरॉन और एल्युमिनियम। इच्छे अब कभी जो थे मेजोरिटी और माइनोरिटी की बात आ रहा था, तो इसमें जब पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो ज्यादा क्या होगा हम लोग का, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, होल्स कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं हम लोग का कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा इसमें हम लोग का, इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएगा वो क्या होगा मेजोरिटी, कल मेजोरिटी याद कीजिए तो माइनोरिटी अपने आप पता चल जाएगा ये क्या होगा, होगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेजोरिटी का हो जाएगा। और इसमें इसमें क्या होगा जब ट्राई मिला रहे हम लोगों तो एक जगह हमेशा खाली खाली बच जाएगा तो होल्स उसमें ज्यादा होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग इसमें जो है सो होल जो होगा वो क्या होगा मेजोरिटी। तो माइनोरिटी अपने आप क्लियर हो जाएगा आपका कि जब होल्स जब मेजोरिटी है तो माइनोरिटी क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इसमें इसमें क्या होगा होल क्या हो जाएगा इसका, होल इसका माइनोरिटी हो जाएगा, ये माइनोरिटी हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा माइनोरिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनोरिटी ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप से जो क्वेश्चन है अब इससे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन जो है सो नहीं बनेगा। पी टाइप में आपका क्या पूछ सकते क्या मिला रहे हैं हम लोग को, कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाएगा और मेजोरिटी चार्ट के मेजोरिटी कौन में है माइनोरिटी कौन में, कुछ नहीं सब आपका जो है इसमें। तो देखिए इसको तो आपका जो क्वेश्चन क्या था इसमें आपका कि फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है आपके में, वह वैसे क्या होता है उसमें वह डिक्रीज करता है ठीक है। तो इंक्रीज और डिपले आपको दो कंडीशन रिमेंस कांस्टेंट और नन ऑफ दिस नहीं हो सकता है। तो अगर फॉरवर्ड बायस में आपका पोटेंशियल विड्थ जब घट रहा है तो ध्यान रखिएगा रिवर्स बायस जब होगा उसमें क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों दूसरे का उल्टा हम लोग का, तो फॉरवर्ड बायस में आपका डिक्रीज कर रहा है तो उसमें आपका रिवर्स में क्या इंक्रीज करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है सो इसमें था। अब इसमें है कि अगर बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन रखे कि बीटा दिया हुआ है तो इसमें अल्फा को निकाल सकते हैं, अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा वो आप खुद निकाल सकते हैं यहाँ से भी कि इसको सॉल्व करके यहाँ से बीटा का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते, या फिर जो है सो डायरेक्ट इसका जो लिख लीजिएगा कि अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका जो सो सेमीकंडक्टर का कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका यहाँ पर है।
कुछ और क्वेश्चन आपका देखिए कि एलईडी से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन फॉरवर्ड बायस काम करता है, कौन रिवर्स बायस काम करता है, कुछ वहां से भी क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में एमसीक्यू बनाता है। तो पी टाइप एन टाइप फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, विड्थ और आपका जो है सो एलईडी। एलईडी एक ऐसा टॉपिक है जहां का आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है और एमसीक्यू भी वहां से वो बनाएगा। ठीक है, तो और कुछ हम लोग एमसीक्यू लेके आएंगे हम लोग। थैंक यू।